आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की, रक्त समूह है। ठीक है, मानव ब्लड ग्रुप में, मानव रक्त समूह में ब्लड ग्रुप एबीओ प्रकार का एबीओ प्रकार का होता है। ठीक है, मानव रक्त समूह है, सह प्रभाविता हम उसमें पढ़ेंगे, किसमें? जेनेटिक्स में। ठीक है, सह प्रभाविता या बहुयुग्म विकल्पी इसे क्या करते हैं? मल्टीपल एलिलिज्म। का उदाहरण किसका उदाहरण है? सहप्रभाविता या बहुविगमी युग्म विकल्पी मल्टीपल एलिलिज्म का उदाहरण है मानव रक्त समूह है। आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? एंटीजन के आधार पर किया जाता है। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं की उपस्थिति एंटीजन के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, जिसे हम आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट है इसका, मानव रक्त समूह है। आई बहुविगमी बहुयुग्म विकल्पी में तीन प्रकार के एलील्स उपस्थित होते हैं, जिसे हम चार्ट में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तीन प्रकार के जो आपके रक्त समूह हैं उस ठीक है, यहां पे लिखो
अलील्स। आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन। प्लाज्मा में उपस्थित शर्करा। ठीक एएलएल्स की हम बात करें तो आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन क्या होगी? ए होगी। ठीक है, इसकी शर्करा क्या होगी? ए होगी। आई ए आरबीसी पर एंटीजन ए बी आई ओ आई ओ। कोई प्रकार की एंटीजन उपस्थित नहीं होगी, कोई प्रकार की शर्करा उपस्थित नहीं होगी। ठीक है, इटालो। पॉइंट लिखो, एक मानव ब्लड ग्रुप, मानव ब्लड ग्रुप आरबीसी की सतह पर उपस्थित आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन एवं प्लाज्मा में उपस्थित शुगर के आधार पर निर्धारण किया जाता। निर्धारण किया जाता है। अब इसका चार्ट बनेगा ब्लड ग्रुप का पूरा। ठीक है, ये उतार लो ना, चार्ट बनाओ एक। इधर लिखो ब्लड ग्रुप, इधर लिखो एलील्स, आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन। प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी। रक्त दे सकता,
रक्त ले सकता है, यानी ये क्या हुआ ग्राही, ये क्या हुआ दाता। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए की हम बात करें तो एलील्स क्या होंगे इसमें, आई ए, आई ए या आई ए आई जीरो, ये क्या होंगे समयुग्मकी, समयुग्मकी तो होंगे आई ए आई ए, समान जोड़े में उपस्थित होते, ये क्या है अपोजिट है, आई ए एक तो तरफ आई ए है एक आई जीरो है, आई ए तो ये क्या होंगे विषम युग्मकी। ठीक है, आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन क्या होंगे, ए हो गए। ठीक है, प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी क्या होगी, बी होंगी। ठीक है, रक्त दे सकते हैं किस किस को दे सकते हैं, एक तो ए को दे सकते हैं एक ए बी को दे सकते हैं। ठीक है, और ले किसको सकते हैं, ए को ले सकते हैं और ओ को ले सकते हैं। ठीक, ब्लड ग्रुप बी की हम बात करें, एलील्स क्या उपस्थित होंगे, आई बी या आई बी आई ओ, फिर से ये समयुग्मकी, ये क्या होंगे विषमयुग्मकी। ठीक है, अच्छा आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन क्या होंगे इसमें, बी होंगे, इस पर एंटीजन क्या होंगे ए होंगे। ठीक है, और ये रक्त दे सकता है किस किस को दे सकता है, एक तो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ठीक, बी और ए को दे सकता है, नहीं बी और ए और ओ को दे सकता है। ठीक है, दे सकता है और ले किसको सकता है, बी और ओ को। ठीक है, ब्लड ग्रुप एपी ए बी की हम बात करें, एलील्स क्या होंगे आई ए और आई बी, ये किसमें होंगे विषम युग्मकी में। एंटीजन आरबीसी सतह पर यदि ए बी ब्लड ग्रुप हो तो एंटीजन अनुपस्थित होंगे। ठीक है, एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी होगी ए तथा बी, एंटीजन उपस्थित होंगे। ठीक है, और एंटीबॉडीज में अनुपस्थित होंगे। ठीक है, और दे किसको सकते हैं, एक तो ए बी को दे सकते हैं इसमें, और ले किसको सकते हैं, सार्वत्रिक ग्राही कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, यानी ओल, ये सभी को, सभी का रक्त ले सकते हैं। ओ की हम बात करें, आई ओ सम युग्मकी। एंटीजन की हम बात करें तो एंटीजन आई ओ में अनुपस्थित होंगे। ठीक है, और एंटीबॉडी की इसकी हम बात करें तो ए बी दोनों उपस्थित होंगे, ए और बी। ठीक है, और रक्त दे सकते हैं, यानी ओल को ये रक्त दे सकते हैं और ले किसको सकते हैं, ओ को, यानी सार्वत्रिक दाता और सार्वत्रिक ग्राही। ठीक है, ये चार्ट बना लो आप।
सबसे पहले हम किसकी बात करें, मानव ब्लड ग्रुप में किस किस आरबीसी सत्ता पर एंटीजन एवं प्लाज्मा में उपस्थित शुगर यानी शर्करा के आधार पर किसको व्यक्त किया जाता है ब्लड ग्रुप को। सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप की हम बात करें तो एलील्स क्या क्या होंगे, आई ए आई ए, ये तो किस में होंगे सब युग्मकी में होंगे, आई ए आई जीरो ये भी सब युग्मकी में होंगे। यदि ए ब्लड ग्रुप की हम बात करें कि इसकी एंटीजन की सतह पर ए एंटीजन उपस्थित होगा, इसमें क्या होगा एंटीबॉडी बी उपस्थित होगा। और रक्त दे सकते हैं किसको, इसको दे सकते हैं एक तो ए को भी दे सकते हैं और दोनों को ए बी दोनों को दे सकते हैं, ठीक है। और ले किसको सकते हैं, एक तो ए को ले सकते हैं और ओ को ले सकते हैं, इसमें ए और ओ। ब्लड ग्रुप बी की हम बात करें आई बी ये क्या होंगे एलील्स हो गए, आई बी आई जीरो ये एलील्स हो गए, ये किसमें पाया जाएगा समयुग्मकी में पाया जाएगा, ये क्या पाया जाएगा विषम युग्मकी में पाया जाएगा। अच्छा आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीबोजन एंटीबॉडी की हम बात करें बी एंटीबोजन उपस्थित होंगे और एंटीबॉडी ए उपस्थित होंगे। अच्छा रक्त दे सकता है किसको दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, ठीक है। और ले किसको सकता है बी और ओ को। ब्लड ग्रुप ए बी की हम बात करें आई ए आई बी ये किसमें होंगे विषम युग्मकी में होंगे, हेटरोजाइगस की उपस्थिति में होंगे। एंटीजन कौन कौन सी उपस्थित होंगी इसमें, ए तथा बी। एंटीबॉडी एंटीबॉडी ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होगी। रक्त दे सकते हैं किस किस को दे सकते हैं, ओनली ए बी को, यदि ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो ए बी को ही दे सकेंगे, ठीक है। और ले किस को सकते हैं ऑल सभी का, ए का भी ले सकते हैं बी का भी ले सकते हैं ए बी का भी ले सकते हैं और ओ का भी ले सकते हैं, जिसके कारण ये सार्वत्रिक ग्राही है। ब्लड ग्रुप ओ की हम बात करें आई ओ आई ओ समयुग्मकी में उपस्थित होंगे, एंटीजन अनुपस्थित होगी इसमें, एंटीबॉडी ए बी के रूप में पाया जाएगा और दे किसको सकते हैं ऑल सार्वत्रिक दाता हुआ, और ले किसको सकते हैं ओ को, ओ का ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। यह आपका ब्लड ग्रुप का चार्ट हो गया। इसमें दो पॉइंट लिखो, सार्वत्रिक ग्राही, क्या हो जाएगा ए बी सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर, ये क्या हो जाएगा ओ, ये किसके कारण होंगे इसमें क्या अनुपस्थित होगी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की अनुपस्थिति के कारण इसका सार्वत्रिक ग्राही ए बी होगा, सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होगा, ये किसके कारण होगा आरबीसी की सतह पर अनुपस्थित एंटीजन, ठीक है। ये किस पे होंगी प्लाज्मा, प्लाज्मा पर उपस्थित एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ओ में क्या था एंटीबॉडी अनुपस्थित, एंटीजन अनुपस्थित था, ठीक है। और ए बी में क्या था एंटीबॉडी अनुपस्थित थी।
एंटीबॉडी अब्सेंट। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट रहेगा ये सार्थिक दाता और सार्थिक ग्राही। ठीक है, यहां पे आपका ब्लड ग्रुप कंप्लीट हो जाता है।